सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 19.14 के क्वेश्चन नंबर 4 टू 14 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली आपका कैटेगरी 2 का है। तो कैटेगरी 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको इसके टाइप कैसे जो सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिएगा, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है आपका इस फॉर्मूले पे बनेगा। यानी आपको नम्रेटर इंटीग्रेंट जो है उसका नम्रेटर जो लेना है आपको, उसका नम्रेटर होता है a इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, नम्रेटर इज इक्वल टू होता है a इंटू, यानी आपको नम्रेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होता है a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, और सेकेंड पार्ट होता है b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको डायरेक्ट डिनोमिनेटर यूज करना है और सेकंड पार्ट में उसका डेरिवेटिव यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैटेगरी 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 4, कोसेक्स डीएक्स, आपका नोमिनेटर कोसेक्स है और डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कोसेक्स। तो कोसेक्स इज इक्वल टू देखिए फर्स्ट पार्ट ए इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ही ना, तो डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए है डी एक्स अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस प्रकार से दो पार्ट्स हमने कर लिया। ठीक है, तो इसको तो डायरेक्ट हमने इतना लिख दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोसेक्स, कोसेक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ए से इसमें मल्टीप्लाई किया, बी से इसमें मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये हो जाएगा ए साइन एक्स, ये हो जाएगा ए कोस एक्स, ये हो जाएगा बी कोस एक्स और माइनस बी साइन एक्स। तो देखिए अब जो साइन एक्स और साइन एक्स वाला है कोएफिशिएंट है उसको हम एक साथ कर लिए हैं। यानी देखिए साइन एक्स इसमें ए यहाँ है, यहाँ पे बी है, ए माइनस बी करके साइन एक्स कॉमन कर लिए हम, इसमें कोस एक्स वाला है तो उसमें कोस एक्स को कॉमन कर लिए हम, तो ए प्लस बी इसमें बचेगा, कोस एक्स कॉमन हो जाएगा दोनों में है। ठीक है, इतना हो गया। अब नाउ इक्वेट किए हैं हम साइन एक्स और कोस एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट किए हैं। देखिए साइन एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ है एलसीएस में, कुछ नहीं है, तो कोएफिशिएंट ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और कोस एक्स का कोएफिशिएंट है क्या है, यहाँ पे वन है, तो वन छुप रहता है, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर किया, अब आगे देखते हैं। यानी ए माइनस बी आपका हो गया यहाँ से जीरो और ए प्लस बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो यानी a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू वन, तो a b की जगह हम a लिख सकते हैं क्योंकि a इज इक्वल टू बी, तो a प्लस a इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो a प्लस a इज इक्वल टू टू ए इज इक्वल टू वन, ए का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू क्योंकि a इज इक्वल टू बी, तो b का भी वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू बी है तो b का भी वैल्यू वन बाई टू हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन आपका ये था, तो cos x इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक्स जो था आपका इसके बराबर है, कोसेक्स इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये वाला इसके बराबर है ना, तो कोसेक्स के लिए हम ये वाला दोनों पार्ट्स लिख देते हैं। ठीक है, कोसेक्स इज इक्वल टू देखिए ए इंटू साइन एक्स प्लस कोसेक्स प्लस बी इंटू कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोसेक्स, इतना लिख दिए। अब नीचे वाले पार्ट से दोनों में हम सेपरेट से सेपरेट डिवाइड देते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इसमें इससे डिवाइड नहीं है तो ये लिख दिए, और ये कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, इसे इसमें डिवाइड दिए, अभी कॉन्स्टेंट था तो बाहर। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट आपका इक्वल है तो कटेगा, बचेगा सिर्फ डी एक्स, तो डी एक्स लिख दिए। अब इसको अगर आप जेड मानते हैं तो ये ऊपर में जो हो जाएगा डी जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू वन बाई टू, ए और बी का वैल्यू पुट किया वन बाई टू, बी का वैल्यू वन बाई टू, तो ये आप जेड मानते हैं तो ये डी जेड, तो डी जेड अपॉन जेड, इसका इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड, तो लॉग जेड हो गया प्लस सी। ठीक है, अब हम जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू लॉग जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको ना जेड मानते हैं तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस ए, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कोस एक्स, नम्रेटर का है ये इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, लिख दिए हम, देखिए कोस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हम लिख दिया। नाउ अब मल्टीप्लाई किया है इसमें ए
मल्टीप्लाई नहीं किया है, अब इसको ऐसे लिख दिया, इसको डेरिवेटिव लिया है, टू कॉन्स्टेंट है तो टू कॉन्स्टेंट रह जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और थ्री कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस थ्री sin x हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और बी से इसमें, तो ये हो जाएगा 2a sin x, ये 3a cos x, 2a 2b cos x और -3b sin x, ठीक है। अब sin x और इसमें कॉमन करते हैं तो बच्चा है आपका 2a -3b, ठीक है, और इसमें cos x कॉमन करते हैं दोनों में तो बचेगा 3a + 2b cos x, ठीक है। अब हम sin x और cos x के कोफिशियंट्स जो है उसको इक्वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे cos x का कोफिशियंट क्या है, 1 है, छुपा हुआ है, और sin x तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसके लिए केस में, तो 2a - 3b, ये sin x का कोफिशियंट यही ना है जी, ये वाला, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा, तो 2a - 3b = 0, एंड इसका 3a + 2b, cos x का कोफिशियंट क्या है इसमें, 1, 1 छुपा हुआ रहता है, आप लिख सकते हैं ना इसे 1, तो 3a + 2b = हो जाएगा 1, ठीक है। नाउ आगे देखिए, यहाँ से 2a = 3b, यानी 2a - 3b = 0, तो 2a = 3b हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकलेगा आपका, 2 इधर आएगा तो 3/2b हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए इसमें ये 3a + 2b = 1, तो a में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 3 a = 3/2 b, तो 3/2 b पुट किए प्लस 2b = 1, ठीक है। ये 3 × 3 = 9b, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 × 2 यानी 4b हो जाएगा बाई 2 = 1, तो ये जुटेगा तो हो जाएगा आपका 13b, ठीक है, इक्वल टू ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये b मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 2/13, b का वैल्यू निकला आपका 2/13, तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a = 3/2 × b, तो 3/2 × b का वैल्यू रख देते हैं, 2/13 अगर रख दिए हैं तो b का वैल्यू आपका निकल गया, ये कैंसिल होगा, तो ये का वैल्यू आपका निकला 3/13, ठीक है, यानी ए अभी का हमको वैल्यू निकल गया। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं, cos x इज इक्वल टू क्या है, cos x इज इक्वल टू देखिए, cos x इज इक्वल टू ये पार्ट, दिस पार्ट, cos x की जगह हम ये दोनों पार्ट लिख देते हैं, देखिए लिख दिए हैं, ठीक है। नाउ और डिनोमिनेटर जो है उसको लिख दिया, अब हम डिनोमिनेटर से एक बार इसमें और एक बार इसमें डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो देखिए एक बार इसमें दिए अलग अलग और एक बार इसमें, ए और बी कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, ए का वैल्यू 3/13, ए तो कट गया आपका, तो आपका हो गया यहाँ पे डी एक्स बचा सिर्फ, ये आपका इसको आप डी जेड मानते हैं तो ये ऊपर जो है डी जेड हो जाएगा, तो देखिए हम जेड माने तो ये डी जेड के बराबर आ गया है, बी का वैल्यू 2/13, ठीक है। आपका इंटीग्रेशन इसका जानते हैं एक्स, इसका इंटीग्रेशन इसका लॉग जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 3x/13 x/2, इसका 3/13 x, ठीक है, उसका डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स, इसका लॉग जेड, ठीक है, 3/13 x + 2/13 log z का वैल्यू रख दिया, 2 sin x + 3 cos x + c, अब कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है इतना, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम टेन एक्स को साइन एक्स और कोस एक्स के फॉर्म लिख दिए, ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, इतना होता है। अब हम क्या किए, एलसीएम लिया था कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये कोस एक्स रूट के ऊपर चला जाएगा तो कोस एक्स डी एक्स हो जाएगा अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अभी देखिए आपका जो क्वेश्चन है सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था वही होगा इसका भी आंसर, तो हमने लिख दिया है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू x/2 + 1/2 log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर ये साइन एक्स पहले होता है cos x बाद में तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये बराबर है, इसलिए डायरेक्ट मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यह है dx अपॉन 1 प्लस cot x, गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस cot x, ठीक है। इसको cot x को हम sin x और cos x के फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये cot x होता है cos x अपॉन sin x होता है, इसका इसका एलसीएम ये हम तो sin x प्लस cos x और ये cos x ऊपर चला जाएगा sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट sin x आपका तो ये अब नॉमिनेटर आ गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, तो नॉमिनेटर इज इक्वल टू यानी sin x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, लिख दिए इस फॉर्म में। नाउ sin x = a into sin x + cos x +
प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। ए और बी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें हम साइन एक्स और साइन एक्स जो है उसमें कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आपका ए माइनस बी इंटू साइन एक्स, और इसमें कोस साइन एक्स को कोस एक्स को कॉमन करते हैं तो बचेगा आपका ए प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। नाउ साइन एक्स और कोस एक्स का कोएफिशिएंट जो है उसको हम इक्वेट करते हैं, तो ए माइनस बी साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वन है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, और कोस एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो कोस एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी देखिए अब आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो यानी ए इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या, माइनस बी, तो माइनस बी रख दिया हमने, और ये माइनस बी इक्वल टू वन यानी माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, तो बी का वैल्यू अपन निकाला माइनस वन बाई टू। अब हम क्या करते हैं, बी का वैल्यू इधर पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू वन बाई टू, यानी ए का वैल्यू आपका वन बाई टू, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ये है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, इसके बराबर है, तो इसके हम लिख देते हैं ये वाला पार्ट, ये लिख दिए हैं। अब हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किए हैं, डिवाइड देकर अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं, देखिए ए और बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये कटेगा आपका इक्वल है, ठीक है, बचेगा यहाँ डी एक्स, और ये आपको अगर ये डी जेड जेड मानते हैं इसको नीचे वाले को, तो नंबरेटर जो है ये डी जेड के बराबर आ जाएगा, देखिए आ गया, देखिए उसका तो बचा ए इंटू डी एक्स प्लस, इसको हम जेड मान जेड माने तो ऊपर जो डी जेड आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, तो वन बाई टू एक्स, ए का वैल्यू वन बाई टू और बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस ए, ठीक है। अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस वन बाई टू लॉग जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका एट का फर्स्ट ये है, लेट है कि हम नमरेटर को जो सॉल्व करने का प्रोसेस उसी पे फॉर्मूला पे हम देखते हैं, नमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, लिख दिया इतना हमने। तो देखिए साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स इज इक्वल टू, अब इससे इस देखिए इसको हम यहाँ लिख दिया इतना, और इसको डेरिवेटिव भी है, तो बी इंटू टू साइन एक्स का डेरिवेटिव टू कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अब हम ए और बी से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा टू ए साइन एक्स, और यह हो जाएगा ए कोस एक्स, ठीक है, यह हो जाएगा टू बी कोस एक्स ए माइनस बी साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स और साइन एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आपका इसमें टू ए, और इसमें बचेगा माइनस बी, तो साइन एक्स और इसमें कोस एक्स को कॉमन करते हैं इन दोनों में, तो हो जाएगा ए प्लस टू बी इंटू कोस एक्स, ठीक है, कॉमन कर लिया। अब साइन एक्स और कोस एक्स कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, कोएफिशिएंट समझते हैं ना, जो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होता है कॉन्स्टेंट उसी का कोएफिशिएंट कहा जाता है। नाउ टू ए माइनस बी साइन एक्स, साइन एक्स का कोएफिशिएंट इतना है इसमें, और यहाँ पे देखिए वन है, तो टू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, और कोस एक्स का देखिए यहाँ टू कोएफिशिएंट है, यहाँ पे ए प्लस टू बी, तो ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू, ठीक है, ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ से टू ए माइनस बी इज इक्वल टू वन, तो टू ए इज इक्वल टू माइनस बी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपने यहाँ टू है मल्टीप्लाई में तेजा डिवाइड में, यानी ए प्लस बी बाई टू इतना हो जाएगा। नाउ अब इसमें देखिए ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू, तो ए का वैल्यू कितना निकला है मेरा, ए प्लस बी बाई टू, तो हम पुट कर दिए ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू प्लस टू बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस फोर बी अपॉन टू इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये बी प्लस फोर बी इज इक्वल टू फाइव बी, ठीक है, ये टू टू इधर आएगा तो फोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फोर, ए प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आप नहीं दिख पाया, देखिए फिर से यहाँ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू टू है, ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका निकला यहाँ इतना, तो ए का वैल्यू हमने पुट किया इतना प्लस टू बी इज इक्वल टू टू, फिर हमने एलसीएम लिया तो ए प्लस बी प्लस फोर बी हो जाएगा, ये टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर बी हो जाएगा अपॉन टू, ठीक है, इज इक्वल टू टू। अब हम टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा, देखिए फोर हो गया, और ये फोर बी प्लस फोर बी इज इक्वल टू फाइव बी, और ये प्लस में था वन, तो इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल गया आपका यहाँ फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और बी इज इक्वल टू बी फाइव, ठीक है, मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू निकला थ्री बाई फाइव। अब आपका देखिए बी का वैल्यू निकल गया थ्री बाई फाइव, तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू निकल जाएगा
बी में वैल्यू पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू वन प्लस बी, यानी बी इज इक्वल टू वन प्लस 3/5, पुट किए हैं बी का वैल्यू, बी इज इक्वल टू इतना ना, तो 3/5 अपॉन टू, एलसीएम लिया था 5 प्लस 3 8, 8 बाई 10, 8/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। नाउ आगे देखिए, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है आपका साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना, अपॉन इतना। नाउ ए और बी को कॉन्स्टेंट साथ बाहर हो गया और यह इतना बचा, ये तो इक्वल है तो कटेगा, बचेगा डी एक्स, तो डी एक्स बचा है, इसको अपजेड मानते हैं तो ये डी जेड के बराबर हो जाएगा, देखिए डी जेड अपॉन जेड, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स, इसका इंटीग्रेशन बी लॉग जेड। अब ए और बी का वैल्यू पुट कीजिए और जेड का भी वैल्यू डाल दीजिए, तो ए का वैल्यू 4/5 एक्स प्लस बी का वैल्यू 3/5 लॉग जेड, जेड इज इक्वल टू क्या, ये ना 2 sin x प्लस कोस एक्स, ये वाला 2 sin x प्लस कोस एक्स रख देते हैं, 2 sin x प्लस कोस एक्स, जेड इज इक्वल टू 2 sin x प्लस कोस एक्स प्लस सी, आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 ये है आपका sin x dx अपॉन 3 sin x प्लस 5 cos x, ठीक है। लेट नॉमिनेटर यानी sin x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू a इंटू 3 sin x प्लस 5 cos x एंड a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसका डेरिवेटिव 3 इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और इसका डिफ्रेंशिएशन -5 sin x हो जाएगा, ठीक है। अब a और b से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसमें देखिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 3a sin x और 5a cos x, 3b cos x और -5b sin x हो जाएगा, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू अब sin x और cos x, sin x और sin x का जो कोएफिशिएंट है इसको इक्वेट यानी कॉमन करते हैं, देखिए sin x यहाँ पे sin x यहाँ, तो यहाँ पे sin x को कॉमन करते हैं दोनों में से तो बचा है आपका 3a -5b, और cos x दोनों में से कॉमन करते हैं तो बचा है आपका 5a+3b cos x, ठीक है। अब sin x और cos x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, यहाँ देखिए sin x है लेकिन cos x तो है नहीं इस एलसीएम में, तो cos x का कोएफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन देखिए sin x का कोएफिशिएंट कितना है 3a-5b, इधर 1 है तो 3a-5b = 1, और cos x का 5a+3b = 0, क्योंकि वहाँ पे cos x तो है नहीं एलसीएम में, तो 5a+3b = 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए 5a = हो जाएगा -3b, ए का वैल्यू निकलेगा आपका -3/5b, ठीक है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा -3/5 × b। अब हम क्या करते हैं देखिए, इसमें बी का वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू पुट करेंगे 3a-5b = 1 में ए का वैल्यू पुट करते हैं, 3 × a = कितना है, देखिए ए इज इक्वल टू -3/5b, -3/5 × b पुट किए और -5b = 1, ठीक है। 3 × -3 = -9, 9b हो जाएगा बाई 5, -5b = 1, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का एलसीएम लिया गया था, 5 1 हो जाएगा 1 और 5, तो 5 एलसीएम 5, ठीक है, तो 9b और -25b हो जाएगा बाई 5 = 1, ठीक है। 5 इधर आया तो 5 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो -34b हो जाएगा इक्वल टू 5, b का वैल्यू निकलेगा आपका -5/34, b का वैल्यू निकल गया आपका, a का निकालना था, a इज इक्वल टू -3/5 × b, तो b का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो a का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो -3/5 × b का वैल्यू -5/34, ठीक है। तो ये तो आप कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/34 आ जाएगा ए का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकल गया आपका। नाउ इंटीग्रेशन आएगा, देखिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू sin x dx अपॉन इतना है, sin x इज इक्वल टू क्या, इतने इस पार्ट के बराबर है, ठीक है, अपॉन 3 sin x + 5 cos x, इतना डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर से दोनों में डिवाइड दीजिए अलग अलग और अलग अलग सेपरेट कर इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए दो पार्ट्स बना लिया हमने डिवाइड देकर, ए बी कॉन्स्टेंट था तो बाहर कर लिया, ए तो आपका कट जाएगा इक्वल है, बचेगा टी एक्स, तो डी एक्स लिख दिया यहाँ पर, अगर आप इसको जेड मानते हैं डी जेड हो जाएगा, लेकिन डी जेड अपन जेड के लिए है, ए का वैल्यू 3/34x और बी का वैल्यू -5/34 log z, इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड फिर से, ठीक है। ये जो है आपका, आप देखिए अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/34x -5/34 log 3 sin x + 5 cos x, एंड जेड इज इक्वल टू 3 sin x + 5 cos x, तो पुट कर दिया जेड का वैल्यू, तो इससे ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कैटेगरी 3 के क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या करना होता है कि आपको जनरली cos स्क्वायर x से डिवाइड देना पड़ता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना है, ठीक है,
इसमें हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड देते हैं। देखिए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो कट जाएगा तो बचेगा आपका यही। ठीक है, सब इतना लिख दिया है। यहाँ पे वन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें हम डिवाइड देंगे दोनों में। देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड दे दिया हमने। देखिए कॉस स्क्वायर इस वाले से कॉस से हमने इस वाले कॉस से इन दोनों में डिवाइड दिया है, ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड दिया, इसमें भी डिवाइड दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर में, ये कट जाएगा तो बचेगा वन। ठीक है, नाउ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो लिख दिया प्लस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टेन स्क्वायर एक्स तो टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, नाउ इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, टू को टू टू का स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स को टेन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सेक एक्स, अब हम क्या किए हैं, टेन एक्स को जेड मान लिए हैं, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन है आपका ये है, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो डी जेड पुट कर दिया, टू का स्क्वायर प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्या मैंने जेड, तो ये जेड का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इंटीग्रेंट आपका किस फॉर्म है, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस सेक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन ए, ए इज इक्वल टू रूट टू है तो वन अपॉन ए टेन इन बस एक्स बाई ए, एक्स इज इक्वल टू जेड तो एक्स बाई ए यानी रूट टू प्लस सी, तो वन अपॉन रूट टू टेन इन बस एक्स, एक्स इज इक्वल जेड इज इक्वल टू क्या टेन एक्स, टेन एक्स पुट कर दिया रूट टू प्लस सी, रूट टू इज इक्वल टू ए तो एक्स बाई ए होता है ना, एक्स इज इक्वल टू जेड है तो टेन एक्स अपॉन रूट टू प्लस सी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन आपका ये है, गिवन है आपका इतना, हम किसमें क्या किए हैं, कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में और डिवाइड भी दिए हैं। देखिए तो वन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इसमें इस वाले कोस स्क्वायर से इस दोनों में डिवाइड देते हैं। ठीक है, देखिए डिवाइड दिए हैं तो आपका हो जाएगा, ये तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है और नीचे में हो जाएगा आपका फोर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये कटेगा तो आपका बचेगा नाइन। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, टेन एक्स को जेड मान लिया है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो हो गया डिजिट ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, ये फोर टेन एक्स को तो हम जेड माने थे, फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा नाइन लिख देंगे। ठीक है, अब फोर जेड स्क्वायर को हम टू जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं और नाइन को थ्री का स्क्वायर। ठीक है, नाउ आपका इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेंट है किस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे देखिए इसका इंटीग्रेंट किस होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वन ए इज इक्वल टू क्या तीन और एक्स इज इक्वल टू टू जेड, तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स इज इक्वल टू जेड बाई ए प्लस सी, लेकिन एक्स का ऑप्शन क्या है टू है, यहाँ से टू से डिवाइड देना पड़ेगा क्या है क्या प्लस सी। नाउ वन बाई सिक्स हो जाएगा ये, वन बाई थ्री इंटू टू टेन इनवर्स ये टू टू बाई थ्री जेड इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो वन बाई सिक्स टेन इनवर्स टू बाई थ्री टेन एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देख लीजिए फिर से इसको, क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए, डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस का एक्स का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गिवन है आपका इतना। ठीक है, अब हम इसका क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड किए हैं, यानी ए प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना उसी फॉर्मूला पर इसको हम लिख दिए, यानी ए ए और ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, टू ए बी लिख दिए हम, टू इंटू ए साइन एक्स, तो टू इंटू ए साइन एक्स इंटू बी कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स। ठीक है, ए प्लस बी का फॉर्मूला पर इसको एक्सपेंड कर दिया, नाउ इसमें हम क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी दिए हैं। ठीक है, ये देखिए इसको हम वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इस वाले को वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख दिया और इस नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स से प्रत्येक टर्म में डिवाइड दिया। ठीक है, देखिए डिवाइड दिए हैं तीनों में, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो लिखा जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ए
टेन स्क्वायर एक्स ये तो कटेगा तो बचेगा बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक कटेगा तो यहाँ बचेगा एक और कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स तो टू ए बी साइन एक्स अपन कॉस एक्स, तो ये टू ए बी टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है देखिए अब हम क्या किए हैं, टेन एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड तो डी जेड लिख दिया, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स यानी टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर, बी स्क्वायर लिख दिया टू ए बी टेन एक्स एंड टू ए बी जेड हो जाएगा, टेन एक्स इक्वल टू जेड तो टू ए बी जेड। नाउ ये देखिए ये जो है आपका ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका इतना रहेगा। ठीक है तो लिख दिया इतना इक्वल टू इतना, नाउ वन अपॉन ए जेड प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको प्लस में थे ऊपर में अगर हम लिखते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है लेकिन ऊपर नोमिनेटर में लिखते हैं तो माइनस टू हो जाएगा डिजिट, समझ रहे हैं आप। नाउ आपको अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन आपको याद होगा कैसे किया जाता है, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन कैसे होता है, देखिए तो एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद है आपको इसी फॉर्मूला पे, देखिए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन ये है ना, लेकिन जो एक्स का यहाँ पर देखिए जेड का कोएफिशिएंट क्या है ए है तो ए से डिवाइड भी दिया ना पड़ा है, डिवाइड दिए हैं प्लस सी तो माइनस टू प्लस वन इक्वल माइनस वन और माइनस टू प्लस वन इक्वल माइनस वन इंटू ए प्लस सी, तो माइनस वन अपॉन ए ए माइनस वन है मतलब इनवर्स यानी डिनोमिनेटर में है तो वन अपॉन नीचे जाएगा ए जेड प्लस बी प्लस सी माइनस वन अपॉन ए ए इंटू ए जेड इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस बी प्लस सी आंसर। ठीक है समझ गए होंगे, अब हम देखते हैं कैटेगरी फोर, कैटेगरी फोर के क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं कैटेगरी फोर का है आपका, देखिए ये है इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहेगा आपका उसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ रहेगा और साइन एक्स का जो होता है उसको सब मल्टीपल्स एंगल्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है साइन एक्स और कॉस एक्स रहे तो। ठीक है तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं कैसे, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना है आपका दिया, तो देखिए डी एक्स अपॉन फाइव प्लस फोर साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू होता है टू टेन एक्स एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी देखिए फॉर्मूला दिए साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है नाउ आगे देखिए इसको अब इसमें एलसीएम लीजिए, तो ये फाइव इंटू ये फाइव से इसमें मल्टीप्लाई होगा ये तो इसमें हो जाएगा, तो फाइव प्लस फाइव टेन स्क्वायर और प्लस एट टेन एक्स ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ये फाइव इसको हम क्या किए हैं इसको आगे लिख दिए फाइव टेन स्क्वायर एक्स प्लस एट टेन एक्स बाई टू प्लस फाइव। ठीक है आगे पीछे लिख दिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नाउ टेन एक्स बाई टू को हमने क्या माना है जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी जेड, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वन बाई टू, तो वन बाई टू से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई किए हैं इक्वल टू डिजिट, याद रखिएगा फ्रेंड्स डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड। ठीक है तो इतना हो गया, तो देखिए अब ये टू जो है डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो देखिए टू डिजिट हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू टू डिजिट, यहाँ पे डी एक्स छूटा हुआ है आपका। ठीक है इतना हो गया, अब नाउ इंटीग्रेशन आई पे आते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पे भी डी एक्स छूटा है इक्वल टू टू डिजिट के बराबर है तो टू डिजिट लिख दिया हमने, ये टेन स्क्वायर एक्स था तो टेन एक्स इक्वल टू क्या है टेन एक्स बाई टू इक्वल टू जेड, तो टेन फाइव जेड स्क्वायर हो जाएगा एट जेड प्लस फाइव। ठीक है इसमें से हम क्या किया, अब इसमें हमने फाइव कॉमन किया, टू कॉन्स्टेंट था तो टू बाहर आ गया, देखिए यहाँ से तो बाहर आ गया फाइव कॉन्स्टेंट है इसमें तो हम फाइव कॉमन करते हैं तीनों में तो ये जेड स्क्वायर प्लस एट बाई फाइव जेड प्लस वन। ठीक है अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है फाइव बाहर आ गया कॉन्स्टेंट था, इसको हम क्या करते हैं देखिए अभी वाला पार्ट को जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर लिखते हैं एट जेड बाई फाइव को इस प्रकार से लिखते हैं टू इंटू जेड इंटू फोर बाई फाइव इक्वल टू एट जेड लिख हो सकता है, ये यानी एट बाई फाइव जेड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम। और देखिए हम क्या किया है सोलह बाई पच्चीस एड किया है तो सोलह बाई पच्चीस सब्ट्रैक्ट भी किया है और ये प्लस वन जो पहले से ऑलरेडी है उसको लिख दिया। ठीक है अब जो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका
वो देखिए इसको हम एक पेयर में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका वो जेड प्लस 4/5 का स्क्वायर है, ठीक है। जेड प्लस 4/5 का होल स्क्वायर है, और इसको स्क्वायर कीजिएगा इन दोनों को, तब का रहेगा 9/25, ठीक है। 2/5 कॉन्स्टेंट बाहर, तो डिजिट अपॉन ये हो जाएगा जेड प्लस 4/5 का स्क्वायर, ये 9/25, ये है 3/5 का होल स्क्वायर, लिख दिया हमने। नाउ आपका इंटीग्रेंट किस फॉर्म में है, 1/(x²+a²), इंटीग्रेशन होता है 1/a, 2/5 तो है 1/a, ए इक्वल टू 3/5, तो 1/a, ठीक है। ये यहाँ पर ए है 1/a, टेन इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है। तो अभी का देखिए ये 5 ऊपर चल जाएगा, 3 यहाँ ही कहीं रह जाएगा, 2/5 × 5/3 हो जाएगा, पलट जाएगा ये, तो 5/3 हो जाएगा, और टेन इनवर्स इसको एलसीएम लीजिए तो 5/8+4/3/5 × 5 हो जाएगा प्लस सी। तो 2/5 यहाँ तो 5/5 कटेगा, तो 2/3 टेन इनवर्स 5/8+4/3+c, ठीक है। इतने यहाँ पर भी कटा, बचा 3+c, तो अपडेट का भी कर दीजिए, बस आंसर 2/3 टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 5/10x²+4/3+c, लेफ्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यह है, देखिए गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है, देखिए 1 − tan²x/2 / 1 + tan²x/2, लिख दिया कॉस एक्स इज इक्वल टू इतना होता है, तो लिख दिया इतना, एलसीएम लिए तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई किया तो 4 + 4 + 4 tan²x/2 + 5, इसमें अब इसमें मल्टीप्लाई 5 − 5 tan²x/2, ठीक है। एक बार इसमें इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, वैसे इसमें ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, ये वाला ऊपर में चला जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ गया, इसमें इसमें कीजिएगा तो 4 tan²x + 5 − 5 tan²x, ये तो ऊपर जाएगा तो 6²x/2 हो जाएगा, डायरेक्ट हमने कर दिया है, तो ये 6²x/2 dx = 5 + 4 = 9, और −5 tan²x/2 + 4 tan²x/2 = −tan²x/2, यानी इसको स्क्वाड किया और इसको स्क्वाड किया तो 9, और स्क्वाड किया तो −10²x/2। नाउ आगे देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, देखिए 10x जो है उसको हम जेड मान लेते हैं, तो देखिए 10x/2 को जेड मान लिया है, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपका इतना आ गया, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेशन लेते हैं, 6²x/2 = 2 digit upon 9, और 10²x/2 था ना, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा ये, 9 को 3 का स्क्वायर और जेड को जेड स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉन्स्टेंट का बाहर आ गया, ये 3 का स्क्वायर इतना, अब देखिए इंटीग्रेंट जो है आपका इस फॉर्म में है, इतना हो गया। इंटीग्रेंट क्या है, पर dx/a²-x² फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a + x / a - x, पुट करते हैं 2 × 1/2a log a + x / a - x + c, अब जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका करेक्ट नहीं है आंसर के अनुसार, ठीक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये करेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो जो मुझे बताएं कमेंट करके। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।